दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे कार चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो पिछले एक साल में 3,000 से ज्यादा गाड़ियां चुरा चुका है। दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके इस गैंग ने चोरी के पैसों से 3,000 गज का एक प्लॉट भी दिल्ली में खरीद लिया था। ये गैंग कारों को चुराने के महज आधे घंटे के अंदर उसे कबाड़ में तब्दील कर देता था। एक साल में 3,500 गाड़ियां चुराने वाला गैंग 300 गाड़ियां ये ऑन एन एवरेज 300 गाड़ियां ये महीने की चुरा रहे थे, 8-10 गाड़ियां डेली का। 30 मिनट में कार का कबाड़ करने वाला गैंग, 5 लड़के एक गाड़ी में लग गए तो आधे घंटे में उसको गाड़ी का घोष को डिसमेंटल कर देंगे। डिसमेंटल करके दरवाजे अलग, उसका छत अलग, बैटरी अलग। दिल्ली में कार चोरों की फैक्ट्री। इन्होंने 3,000 गज का प्लॉट जो इन्होंने अभी ऑलरेडी उसको खरीद लिया। दिल्ली की कारों को निकलने वाला गिरोह, पहले वर्कशॉप में, ऑटो वर्कशॉप में काम किया हुआ है, अभी 2 हमने पकड़े हुए हैं लड़के। कारों के दरवाजे, टायर, स्टीयरिंग, CNG सिलेंडर, टूल किट देखकर आपको एक बार ऐसा लग सकता है कि आप किसी स्क्रैप डीलर यानी किसी कबाड़ के गोडाउन की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दिल्ली का RKpuram इलाके का थाना है जहां कार चोरों के गैंग से बरामद किए गए गाड़ियों के पार्ट्स रखे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की RKpuram पुलिस स्टेशन ने जहीर इमरान नाम के एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो कि गाड़ी चुराता था। इस वक्त आप देख सकते हैं, इस वक्त हम किसी कबाड़ के गोदाम में या वहां नहीं खड़े, ये वो गाड़ियों के पार्ट्स हैं जो इस गैंग ने चुराई थी। साउथ दिल्ली में गाड़ियों की चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है और पुलिस पर गिरोह को पकड़ने का दबाव दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका। ये गिरोह आखिरकार उसके हत्थे चढ़ गए। जो गाड़ियां इन्होंने चुराई उसमें से 8 गाड़ी चोरी साउथ डिस्ट्रिक्ट का है, 6 गाड़ियां साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का है और एक एक गाड़ी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का है, 2 गाड़ी इंदिरापुरम का है और 1 गाड़ी नोएडा का है। ये जो हम कनेक्ट कर चुके हैं, बाकी अभी 13 गाड़ियां अभी और कनेक्ट होनी है। गिरोह के काम करने का तरीका बेहद चौंकाने वाला है। ये गिरोह लग्जरी गाड़ियों या SUV नहीं चुराता था बल्कि ज्यादातर छोटी कारों को ही चोरी करता था। कार को चोरी करने के तुरंत बाद दिल्ली के करावल नगर इलाके में ले जाया जाता था जहां पर चोरी की कार का एक एक पार्ट आधे घंटे के अंदर अलग कर दिया जाता था और हर हिस्से को अलग अलग बेचा जाता था। चोरी की कारों को कबाड़ के भाव बेचकर चोरों ने 3,000 गज का प्लॉट खरीदा हुआ था। दिल्ली से रोजाना की 10 और महीने की 300 गाड़ियां चुराने वाला गैंग पिछले 365 दिन में 3,000 से ज्यादा गाड़ियों को कबाड़ के भाव बेच चुका है। दरअसल गैंग के सभी मेंबर पहले गाड़ियों के वर्कशॉप में काम कर चुके हैं, इसीलिए इन्हें कारों को तुरंत खोलने में महारत हासिल है और इसी का इस्तेमाल ये गैंग चोरी के बाद कारों का कबाड़ बनाने के लिए करता था। पहले वर्कशॉप में, ऑटो वर्कशॉप में काम किया हुआ है, अभी 2 हमने पकड़े हुए हैं लड़के, ऑटो वर्कशॉप में काम किया है तो वो जो एक्सपीरियंस इनका है कि आधे घंटे में गाड़ी, कोई भी गाड़ी आप दे दीजिए, आधे घंटे में इनका 5-6 लड़के एक टायर खोलेगा, दूसरा उसका पार्ट करके फटाफट 5 लड़के एक गाड़ी में लग गए तो आधे घंटे में उसको गाड़ी का घोष को डिसमेंटल कर देंगे। डिसमेंटल करके दरवाजे अलग, उसका छत अलग, बैटरी अलग। पुलिस को पिछले काफी वक्त से इस गैंग की तलाश थी। पुलिस को जब करावल नगर में चोरों की फैक्ट्री का पता लगा तब रेड में इमरान और सलमान को गिरफ्तार किया गया। अभी भी गैंग के 3 और लोगों की तलाश है। पुलिस का कहना है कि कबाड़ खरीदने वाले भी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। जो रिसीवर्स हैं वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, अभी हम उसमें लगा हुआ है, बिकॉज हम सारा ये बहुत बड़ा गैंग है, हम इसके पूरी इसके तह तक जाना चाहते हैं। पुलिस को गैंग के कब्जे से गाड़ियों का सिर्फ 4 दिन का ही कबाड़ मिल सका है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे चोरी के सबूत ये गैंग फौरन मिटा दिया करता था। महंगी गाड़ियां नहीं चुराते, सांत्रो, होंडा सिटी, टाटा गाड़ी, इंडिका गाड़ी और मारुति एस्टीम हो गया, ये गाड़ियां जिनको ये डिसमेंटल करके उसको स्क्रैप में बेच चुके हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़े के मुताबिक जनवरी 2016 से अब तक चोरी के 1200 मामले दर्ज हो चुके हैं जबकि गाड़ियों की बरामदगी 10% भी नहीं है। प्रमोद शर्मा, Zee Media, दिल्ली।